हेलो भाई, मैं पवार। आज हम देखने वाले हैं टाटा हेक्सा की बिल्ड क्वालिटी, जो कि अभी डिसकंटिन्यू कर दी है। 2016 में लॉन्च की गई थी टाटा के द्वारा। इसी गाड़ी के साथ साथ हम देखेंगे फॉर्च्यूनर की भी बिल्ड क्वालिटी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, टाटा हेक्सा टाटा एरिया के प्लेटफॉर्म पे बनी थी। इसमें आया करता था 2.2 लीटर का 156 पीएस की पावर निकालने वाला काफी पावरफुल डीजल इंजन। इसमें 400 एनएम का टॉर्क मिलता था। सेम इंजन सफारी स्टोर में भी आया करता था। अभी आज का जो एक्सीडेंट है काफी भयंकर है। भयंकर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर चावलों से भरा हुआ एक ट्रक गिर जाता है। आजकल ऐसे एक्सीडेंट हम बहुत देख रहे हैं जिनमें गाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े ट्रक गिर जाते हैं। ऐसे ही एक्सीडेंट एक और निकल के आया है सिवा पानीपत हरियाणा से, जो कि हमारे साथ एक सब्सक्राइबर भाई ने शेयर किया है। इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं टाटा हेक्सा की बिल्ड क्वालिटी। इसके पिछले साइड पे चावलों से भरा हुआ एक ट्रक गिर जाता है और ट्रक का बैलेंस एनिमल्स की वजह से डिसबैलेंस होकर कार की रूफ पे आके गिरता है। अभी ये कार आपको पहचान में नहीं आएगी कि ये कौन सी कार है, क्योंकि कार की हालत ही ऐसी है। अगर आप पीछे से देखेंगे तो पीछे से कार ऑलमोस्ट फ्लैट सी ही हो गई है। अभी आप यहाँ पे स्पेयर टायर भी देखेंगे तो ये भी धरती में आके पूरा गिर चुका है। मतलब कितना भारी भरकम ट्रक होगा जिसने कार को इस हालत में कर दिया। अभी पैसेंजर्स की बात करते हैं तो इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है, इसकी कोई डिटेल्स नहीं है कि कितने इसमें पैसेंजर्स थे। प्लस इसके एयरबैग्स नहीं खुले क्योंकि इंपैक्ट आगे की तरफ से नहीं था। अगर आप आगे की तरफ पे यहाँ पे देखें तो जहाँ सेंसर लगे होते हैं अगर वहाँ पे डैमेज नहीं होता है तो एयरबैग्स नहीं खुलते हैं। बाकी अब बात करते हैं फॉर्च्यूनर की। एक फॉर्च्यूनर भी इसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गई थी। अगर आप फॉर्च्यूनर की बात करें तो फ्रंट से आप इसका डैमेज देख सकते हैं। इसका बम्पर थोड़ा डैमेज हुआ है। इस साइड से देखते हैं तो कार में आपको कोई भी खास डैमेज नहीं दिखेगा। ये भी न्यू शेप फॉर्च्यूनर थी, पानीपत का इस पे नंबर था। लेकिन अगर आप फॉर्च्यूनर की दूसरी साइड चलेंगे तो यहाँ पे आपको इसमें जरूर डैमेज दिखेगा। हालांकि ये फॉर्च्यूनर तो रिपेयर हो जाएगी बड़े आराम से, लेकिन टाटा हेक्सा रिपेयर होने लायक नहीं है। ये बिल्कुल टोटल डैमेज में जाएगी क्योंकि पीछे से कार कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गई है। अब ऐसे केसेस में मोस्टली जहाँ पे कार के ऊपर कुछ चीज गिर जाती है, चाहे फिर कोई इलेक्ट्रिक पोल हो चाहे फिर कोई ट्रक हो, कार की बिल्ड क्वालिटी ही काम आती है। जैसे मारुति क्रम्पल जो उसका बहाना लेती है, वो अगर फ्रंट इंपैक्ट होता है तो उसमें जरूर हो सकता है कि उसमें वो बढ़िया परफॉर्म कर जाए, लेकिन अगर ऐसे इंपैक्ट होगा तो आपको आपकी बिल्ड क्वालिटी कार की है जो वही बचाएगी, जो कि टाटा एग्जाम इसमें फ्रंट की तरफ देखने में समझ आ रहा है। पीछे के पैसेंजर्स तो मुश्किल लग रहा है इसमें भी देख के, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूरा ट्रक इस पे ही आके गिर गया हो। तो सेफली ड्राइव करें भाई। थैंक यू सो मच।